मीना कुमारी, यह नाम भारत में शायद ही कोई होगा जो ना जानता हो। भारतीय सिनेमा जगत में यह नाम हमेशा जगमगाता रहेगा। फिल्म जगत में जब भी खूबसूरती और कला को एक ही जगह ढूंढने की बात होती है तो मीना कुमारी से ऊपर कोई भी नाम नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं फिल्मी पंडित। यहां लाइव है फिल्मी, फुली फिल्मी। आज के फिल्मी किस्से में हम बात करेंगे मीना कुमारी की, जिन्होंने अपने 33 साल के फिल्मी करियर में 90 फिल्मों में काम किया। मुझे उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म साहेब बीबी और गुलाम लगती है। आपको मीना कुमारी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आज बात करेंगे द एक्टिंग गॉडेस मीना कुमारी के उन 5 किस्सों की जो आपने शायद सुने हो और शायद ना भी सुने हो। एक कार दुर्घटना में मीना कुमारी के बाएं हाथ की छोटी उंगली आधी कट गई थी। मीना कुमारी हमेशा अपनी वो उंगली छुपा कर रखती थी। अपनी सभी फिल्मों में मीना कुमारी ने अपने बाएं हाथ को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू से छुपा कर रखा हुआ है। हालांकि उनके डायरेक्टर्स उनसे ऐसा ना करने के लिए कहते थे। डायरेक्टर उनसे कहते थे कि इस कटी हुई उंगली की वजह से आपकी खूबसूरती और आपकी स्क्रीन प्रेजेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मीना कुमारी ने डायरेक्टर्स की इस बात को कभी नहीं माना। कहा जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र की नजदीकियां मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही को बहुत अकड़ती थी और इसका बदला उन्होंने धर्मेंद्र से कुछ इस तरह लिया कि साल 1983 की फिल्म रजिया सुल्तान में उन्होंने धर्मेंद्र को ही कास्ट किया और उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग से पोत दिया। कुछ लोग आज इसे कमाल अमरोही का बदला भी कहते हैं। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता कि मीना कुमारी से नजदीकियों की वजह से कमाल अमरोही ने ऐसा किया था, क्योंकि रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र के कैरेक्टर की डिमांड ही वही थी। नामी शहर गुलजार के साथ भी मीना कुमारी के रिश्ते की बातें किसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री में काफी हुआ करती थी। मीना कुमारी ने गुलजार की डायरेक्टोरियल डेब्यू मेरे अपने में काम किया था और इसके बदले उन्होंने गुलजार से कोई पैसा नहीं लिया था। ए बुढ़िया, चल भाग यहां से, दफा हो। हाय हाय, देखो जरा, बड़ों से इस तरह बात करते हैं? इज्जत से बात करना नहीं सीखा क्या? इस तरह मीना कुमारी और गुलजार के रिश्ते की अफवाहों को और भी हवा मिली। वैसे गुलजार मीना कुमारी के जीवन में अहम रुतबा रखते थे, क्योंकि मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी डायरी गुलजार को दे दी जाए। मैं इस तरह के रिश्ते को कोई अफेयर नहीं मानता। मेरा मानना है कि यह मन का रिश्ता है जो मन ही समझ सकता है। ऐसा रिश्ता किसी भी जेंडर से ऊपर होता है। मीना कुमारी जी की मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म पाकीज़ा है, लेकिन मेरी तरह बहुत से लोगों का मानना है उनकी सबसे शानदार परफॉर्मेंस गुरुदत्त की साहेब बीवी और गुलाम में किया गया उनका अभिनय है। किस मुंह से मेरी तुलना तुमने दूसरी बहुओं से की? जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास, वो सब क्या दे सके तुम मुझे? इस फिल्म में मीना कुमारी ने एक शराबी पत्नी की भूमिका निभाई थी। मीना कुमारी जी से पहले यह रोल नामी फोटोग्राफर जितेंद्र आर्या की पत्नी छाया को ऑफर हुआ था, लेकिन जब उनसे बात नहीं बनी तो गुरुदत्त ये ऑफर लेकर मीना कुमारी के पास गए, जहां कमाल अमरोही ने गुरुदत्त से जो फीस मांगी वो गुरुदत्त दे नहीं सकते थे, तो बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मीना कुमारी को ये कहानी और किरदार बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने कमाल अमरोही के खिलाफ जाकर गुरुदत्त के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसके पीछे एक दूसरी वजह भी थी। दरअसल मीना कुमारी फिल्म में बंगाली औरत का किरदार निभाने का ख्वाब दिलीप कुमार की देवदास के वक्त से ही देख रही थी। देवदास की पारो का रोल पहले मीना कुमारी को ही मिला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रोल मीना कुमारी से छिनकर सुचित्रा सेन के पास चला गया था। कई लोगों को लगता है कि पाकीज़ा मीना कुमारी की आखिरी फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी गोमती के किनारे।
कौन है बेटी तुम? ये मुन्ना हूँ माँ, तुम्हारा मुन्ना। मेरा मुन्ना? क्योंकि पाकीज़ा को बनने में काफी वक्त लग गया था, इसलिए पाकीज़ा के साथ ही मीना जी ने इस फिल्म की शूटिंग भी की थी। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया था क्योंकि वो डायरेक्टर सावन कुमार की डेब्यू फिल्म में उनका सपोर्ट करना चाहती थी। उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए सावन कुमार से कोई पैसे भी नहीं लिए थे। गोमती के किनारे में उन्होंने तब काम किया जब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। ये मीना कुमारी की जिंदा दिली की एक और शानदार मिसाल है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश, हमको ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं किसी और किस्से के साथ, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को सहृदय धन्यवाद।